नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों मैं लेकर हाजिर हूँ आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनके साथ साथ जो भी जरूरी फैक्ट है उनको भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले राष्ट्रीय बायो फ्यूल पॉलिसी को लागू किया। चार ऑप्शन आपके सामने थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा और ओडिशा। तो यहाँ पर सही जवाब इसका राजस्थान था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लोग इसका सही जवाब देंगे मैं उनका यहाँ पे नाम मेंशन करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर ये हैं ज्ञान प्रकाश सिंह जी, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इसका सही जवाब है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग भी सही जवाब देते हैं उनका मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया करूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं कि किस किस का नाम आता है। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना। तो फिलीपींस कंट्री ने सबसे पहले वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला देश बन गया है। अब देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें फिलीपींस की राजधानी की, तो कैपिटल है इसकी मनीला और मुद्रा है फिलीपीन पेसो, ठीक। अगला प्रश्न है, किन दो लोगों को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हैं आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोपैक्स यात्री नौका सेवा कहां शुरू की गई, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। देखिए यहां पर ये जो नौका है इसकी क्षमता की बात कर लें तो यह है 200 कारों के साथ साथ 1000 यात्रियों को यह ले जाने में सक्षम है। कौन? ये रोपैक्स, ठीक। चौथा नंबर है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है। तो देखिए यहां पर को लेखक है, यहां पर दो लोगों ने मिलकर लिखा है, सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने इसको लिखा है। और बात की जाए कि इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है, तो ये किया है पैकविन रैंडम हाउस इंडिया ने इसको प्रकाशित किया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगा, या फिर वहां पर देखिए दोस्तों जो लिंक जनरेट की जाती है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाता, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि इस जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उनकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के वहां ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस सर्च करिएगा तो वहां पे आपको ये पीडीएफ फाइल में दे दिया करता हूं, ठीक। चूंकि यहां पर लिंक कैसे दिया जाता है वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने COVID-19 के लिए कितने मिलियन डॉलर की आपातकालीन निधि जारी की। तो यह है 10 मिलियन डॉलर, ठीक। अगला है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम क्या होगा। देखिए यहां पर इस ये महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम परिवर्तन करने को मंजूरी दे दी है, तो इसका नया नाम क्या होगा, इसका नया नाम होगा नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम होगा, ठीक। अब देखिए यहां पर आपको मुंबई महाराष्ट्र आपको याद आ रहा है, तो आपको याद आ रहा होगा कि भारत की सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, 1853 ईस्वी में चली थी, और कितने किलोमीटर चली थी ये भी आपको पता होगा, 1853 है, 34 किलोमीटर चली थी, ठीक। अब देखिए भारत में अगर हम बात करें रेलवे के जनक की, तो आप सभी जानते होंगे लाल डलहौजी को भारत में रेलवे का पितामह कहा जाता है। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के अध्ययन में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत को मिला है 12वां स्थान मिला है। अब यहां पर भारत को 12वां मिला है तो ये प्रश्न आ जाता है कि टॉप पे कौन है, तो दोस्तों टॉप पे सबसे पहले पायदान पे है नॉर्वे कंट्री, ठीक, इस वुमेन ऑन बोर्ड के अध्ययन के रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन है, नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया भर में COVID-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अब यहां पर और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, भाई माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला जी हैं।
स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया गया? तो ये है पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को नामित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज के इस करंट अफेयर्स का भाई। भारत नेपाल को कितने नए स्कूल के भवन निर्माण के लिए 10,70,00,000 रुपए देगा? तो ये है भाई नेपाली रुपए है ना, तो ये है 3 विद्यालयों के निर्माण के लिए। ठीक, चलिए ये आज का प्रश्न है आपका। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा अगली वीडियो में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में डिगी पाइवोट नामक सेवा शुरू की? ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल, डेल। तो इसमें से सही जवाब क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं उन लोगों का नाम जरूर लूंगा। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और करंट अफेयर्स की ये सीरीज आपको मिलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।